आज के मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज जिस विचार पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो विचार है, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वो काम करिए जो ट्रेंड में है, फैशन में है, सभी लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ या आप वो काम करिए जो ट्रेंड में नहीं है, फैशन में नहीं है और सभी लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो काम करते हैं जो ट्रेंड में नहीं है, फैशन में नहीं है और जो सभी लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप एक ब्रांड बनेंगे, सेलिब्रिटी बनेंगे। जैसे कि व्हाट्सएप पर घंटों बैठे रहना, इंस्टाग्राम पर रील्स देखना, रील्स बनाना और इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते फिरना, पार्टियां करना, ये सब चीजें ट्रेंडी हैं। शॉपिंग करना, ये सब चीजें ट्रेंडी हैं। सेल्फीज लेते रहना, ये सब चीजें ट्रेंडी हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों से आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो एक तरफ आपके पास ऑप्शन है वही चीजें करना जो सब कर रहे हैं, जो ट्रेंडी हैं, देखने में बहुत ही मजेदार लगते हैं, लेकिन ग्रोथ आउटपुट उनसे जीरो है। और दूसरी तरफ वो चीजें करना जो ट्रेंडी नहीं है, फैशनेबल नहीं है, जिनमें कोई पब्लिसिटी नहीं है, लेकिन जिनमें ग्रोथ है और सभी लोग या उनको कोई नहीं, या तो सभी लोग नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। जैसे कि अपनी डायरी लिखना, अपने विचारों को लिखना, किताबें पढ़ना, अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाना, सक्सेसफुल लोगों के वीडियोस देखना, उनसे आइडियाज लेना, रिटर्न में उनके आइडियाज को लिखना, अपनी जिंदगी को गोल्स देना और बड़े सपने देखना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, योगा करना, जिम में जाना, मेडिटेशन करना और अपने आप को इज्जत देना, अपने आप की वर्थ को समझना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना, ये सब चीजें दोस्तों ट्रेंडी नहीं है, फैशनेबल नहीं है, लोग नहीं करते, लेकिन इन चीजों के लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप पहले वाली चीजें करते हैं या बाद वाली चीजें करते हैं, या अगर पहले वाली चीजें करते भी हैं तो क्या अब आप बाद वाली चीजें करेंगे या नहीं। थैंक यू।